नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको जो आपका घर में ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, मार्बल यूज़ करते हैं, अगर उसमें से कोई पीस बच जाते हैं तो आप किस तरह से अपने घर के लिए डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं आपको इसमें तीन चार ऐसी क्लाइडिंग बताऊँगा लिफ्ट की, जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को वाल में, फ्लोरिंग में। तो देखिए, ये जो 1.5 फीट वाले पीस बचे थे वो हमने इस प्रकार इसको यूज़ किए हैं। एक सादरली, एक ब्लू पल का 2 इंच का बॉर्डर है, और आप एक देख सकते हैं, और एक ये सादरली ग्रेनाइट है, साउथ का ही ग्रेनाइट है, और ये जो आप डार्क कलर देख रहे हैं ब्लू पल ग्रेनाइट है, ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर का ग्रेनाइट है, विदेश का। तो आप एक ये आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक थोड़ा इसको ऊपर रख रखा है, ये चीज़ ऊपर रख रखा है ताकि कहीं पर भी ये पानी से धोएंगे अगर इस चीज़ को तो ये पानी अंदर नहीं जाए, इसलिए ये ऊपर रख रखा है। और ये 2 इंच की पट्टी है ब्लू पल की। तो अब मैं आपको 2 या 3 लिफ्ट और दिखाता हूँ, सेम ऐसे ही लिफ्ट रहेगा, लेकिन आप किस प्रकार अपने वेस्ट में, घर में जो वेस्ट पीस बचते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो देखा था वो ग्रेनाइट की पट्टी थी, और यहाँ पर हमने टाइल्स की पट्टी यूज़ कर रखी है। देखिए ये वाल में, और भी अगर इससे छोटे पीस निकलते हैं वो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ये फ्लोरिंग में बताता हूँ आपको, ये फ्लोरिंग में जो भी ये साइज़ के वेस्ट पीस बचे हुए थे वो यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। ये सभी 10-10 इंच के पीस है, और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, ये ऊपर कर रखा है, और सेम ट्रेप इसी पत्थर में बनाया हुआ है ताकि कुछ खराब नहीं लगे। यहाँ पर स्टील का ट्रेप इसी पत्थर में मशीन से कट लगा के ये चीज़ बनाई हुई है, और एक डोर फ्रेम भी आपको पास में बदलता हूँ। ये इसको हम स्टेप वन साइड मॉल्डिंग बोलते हैं, और ये कैसे बनाते हैं थोड़े दिन बाद मैं आपको इसका भी मैं वीडियो बता दूंगा आपकी। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ तीसरी लिफ्ट में। ये तीसरी लिफ्ट भी सेम है। अब चलते हैं, ये इसमें देख सकते हैं आपको कि 13-13 इंच के ये पीस बचे हुए थे, इस प्रकार इसको डिजाइन कर रखा है, और ये शैम्बर कर रखा है, और ये फ्लोरिंग का भी आप एक आइडिया ले सकते हैं, ये सभी 5-5 इंच के पीस है। ये देख सकते हैं, और भी आपके छोटे छोटे पीस निकलते हैं तो आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। एक तो ये आप ये डिजाइन कर सकते हैं, इसमें एक खड़ा और एक आड़ा रख के जो भी छोटे पीस बचते हैं उसके ये डायमंड आप यूज़ कर सकते हैं, और ये वाल में आप इस तरह से डिजाइन सेट कर सकते हैं। ये देखिए, आप अगर ऐसा काम करवाते हैं, अगर छोटे छोटे पीस है आपके घर में तो इसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, आप अपने कॉन्ट्रेक्टर से बात करके ही इसे बेस्ट पीस जो भी है वो यूज़ करवाएं। ये देखिए, शैम्पर कर रखा है, और इसको पॉलिश कर रखिए, इसको भी शैम्पर करके पॉलिश कर रखिए, ग्रूव बन गया पूरा, और ये बेवल कर रखी है, और ये कटकी भी बोलते हैं इसको, स्टेप वन साइड भी बोलते हैं। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं अपने घर के लिए कि अगर आपके घर में वेस्ट पीस बचते हैं तो आप किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी ऐसी डिजाइनें मैं आपको दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।